हम देखे मेरे पास तो फाइनल ही है तीन दहाड़े पौने दस बजे तीन पिस्टल धारी अपराधी गुफरान आलू गद्दी में आए। पहले एक आदमी ने रेखी किया और पिस्टल सटा के 1.5 लाख रुपए लूट कर चले गए। हमने इस मामले की जानकारी एसएसपी महोदय को दिया है। निश्चित रूप से अपराध बेकाबू हो गया है, पुलिस के लगाम से अपराधी दूर हो गए हैं। बीच बाजार में अगर 10 बजे कोई पिस्टल ला रहा है निश्चित रूप से पुलिस की नपुंसकता को ला रहा है। क्या हुआ आज मानगो बाजार में एक आलू व्यवसायी जो दुकान पर बंदूकधारी आकर 3 पिस्टल लिए हुए थे, व्यापारी से पैसे और मोबाइल की लूट कर भाग गए। कानून व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा कि मानगो की कानून व्यवस्था किस स्तर पे है। दिन दहाड़े चोरी, दिन दहाड़े और डकैती की होने लगा, इससे पूरा व्यापारियों में भय व्याप्त है। ये भी पिस्टल इधर गुफरान जी बताइए तो क्या हुआ आपके साथ? कि हम यहाँ बैठ के अपना कारोबार कर रहे थे, एक बंदा आया, आने के बाद में पूछा आलू एक बोरा लेंगे, तो मैंने बताया ये दाम, तो बोला ठीक है एक बोरा दे दीजिए। वो खड़ा हो गया, फिर अचानक दो लड़का उधर से आया, आने के बाद में वो दोनों पिस्टल निकाला, ये भी पिस्टल निकाल लिया। निकालने के बाद वो मुझे सटा दिया पिस्टल, कैश खोल के यहाँ पे पिस्टल का कैश खोल के सारा कैश और मेरा मोबाइल दोनों ले। आप सभी देख रहे हैं दिन दहाड़े मानगो बाजार में कैसे करके अपराधियों के द्वारा नंगा नाच किया गया है। निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग गंभीरता से लेंगे और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस मामले की जांच हो और अपराधी सलाखों के पीछे रहे।